हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लूथरा। दोस्तों, टूथपेस्ट केवल हमारे दांतों को ही साफ नहीं करता, बल्कि इससे और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी टूथपेस्ट के कुछ ऐसे प्रयोग, कुछ ऐसे उपयोग जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही सरप्राइजिंग है, और जिन्हें जानकर, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं टूथपेस्ट के ये उपयोग। अगर आपकी सीडीज या डीवीडीज पर स्क्रैचेस आ गए हैं, तो थोड़ा सा टूथपेस्ट एक कपड़े पर लगाइए और उसे सीडी पर रब कीजिए, फिर साफ कपड़े से पोंछ दीजिए, स्क्रैचेस चले जाएंगे। टूथपेस्ट से आप अपनी ज्वेलरी को भी क्लीन कर सकते हैं। अपने पुराने टूथब्रश में थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाइए और अपने सोने, चांदी या डायमंड के गहनों पर टूथपेस्ट लगा हुआ टूथब्रश रब कीजिए, फिर पानी से धो दीजिए, आपकी ज्वेलरी चमक उठेगी। फेस पर अगर पिंपल्स हो गए हैं, तो रात को सोते समय पिंपल्स पर टूथपेस्ट लगा लीजिए। पिंपल्स की इन्फ्लेमेशन और रेडनेस दूर हो जाएगी और वो बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। टूथपेस्ट से आप ब्लैक हेड्स भी रिमूव कर सकते हैं। टूथपेस्ट की एक थिन लेयर अपने नोज पर लगाइए, जब वो सूख जाए तो उसे पुल करके उतार लीजिए, सारे ब्लैक हेड्स टूथपेस्ट से चिपक कर निकल जाएंगे। बच्चे अक्सर दीवारों पर वैक्स कलर से ड्राइंग बना देते हैं। आप एक गीले कपड़े पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाएं और दीवार पर रब करें, वैक्स क्रेयॉन्स के निशान उतर जाएंगे। दोस्तों, टूथपेस्ट से कारपेट पर लगे चाय, कॉफी आदि के दाग भी आसानी से छुड़ाए जा सकते हैं। टूथपेस्ट से आप अपने स्मार्टफोन पर लगे स्क्रैचेस को भी साफ कर सकते हैं। एक कपड़े पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाएं और उससे आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को हल्का सा रब करें, उसके स्क्रैचेस उतर जाएंगे। गाड़ी की हेडलाइट्स पर अक्सर बहुत ज़्यादा डर्ट जमा हो जाता है। आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा टूथपेस्ट मिलाएं और फिर इस पानी में स्पॉन्ज को डिप करें और इस स्पॉन्ज से आप अपनी हेडलाइट्स को क्लीन करें। इससे हेडलाइट्स का ग्लास चमक उठेगा। बाथरूम के मिरर्स स्टीमी शावर लेने से बहुत ज़्यादा फोगी हो जाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो मिरर पर थोड़ा सा टूथपेस्ट अप्लाई करें और फिर उसे क्लीन क्लोथ से वाइप कर दें। ये एंटी फोगर का काम करेगा और हॉट शावर से भी आपका मिरर फॉगी नहीं होगा। अगर आपके हाथों में से अनियन, गार्लिक या फिर फिश की स्मेल आ रही है, तो थोड़ा सा टूथपेस्ट लेकर हाथों में रब कर लीजिए और फिर धो दीजिए, स्मेल चली जाएगी। इंसेक्ट बाइट होने पर या फिर माइनर बर्न्स होने पर, जलने पर आप टूथपेस्ट लगाएंगे तो जलन और इचिंग कम होगी। अगर आपके वुडन फर्नीचर पर वाटर मार्क्स पड़ गए हैं, पानी के निशान पड़ गए हैं, तो भी आप टूथपेस्ट से उन्हें उतार सकते हैं। एक साफ कपड़े पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लीजिए और फिर उससे फर्नीचर पर रब कीजिए, उसके बाद साफ कपड़े से वाइप कर लीजिए, फर्नीचर पर लगे वाटर मार्क्स उतर जाएंगे। तो ये थे टूथपेस्ट के कुछ अमेजिंग उपयोग और बेनिफिट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करना मत भूलिए, थम्स अप का बटन दबाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको मिल सके। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके पास फिर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Thank you for watching my video. Bye.